Hi friends, welcome to the desk देवा English spoken class. Friends, simple sentences में जब verb का तीसरा form आता है तब वैसे sentences को हम क्या कहते हैं और ऐसे sentences का मतलब क्या होता है. अभी तक आपने voice में पढ़ा होगा कि verb यानी helping verb के बाद third form का इस्तेमाल करते हैं हम और voice में इस्तेमाल करते हैं हम passive voice में. बट जब सिंपल सेंटेंसेज में यानी कि ऐसा क्या है कि बेसिक सेंटेंसेज में जब हम हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म का किसी भी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है और वैसा हम क्यों करते हैं, तो आज हम वही सीखेंगे. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. मैंने कुछ वर्ब लिख रखे हैं, ये टॉर्न, बेंट, सोल्ड, ब्रोकन, जितने भी वर्ड्स हैं वर्ब है सारे के सारे थर्ड फॉर्म है. जैसे टॉर्न है तो टीयर, टीयर मतलब फाड़ना और टीयर का थर्ड फॉर्म टॉर्न होता है. ओके फ्रेंड्स, बट जब इनका इस्तेमाल हम पैसिव वॉइस के लिए करते हैं तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है और जब इसका इस्तेमाल हम सिंपल सेंटेंसेज यानी बेसिक सेंटेंसेज के लिए करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद तो इसका मतलब कुछ और होता है. ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम सेंटेंस बनाते हुए सीखेंगे एक एक करके कि इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं सिंपल सेंटेंसेज में और उसका मतलब क्या होता है. ठीक है फ्रेंड्स, जैसे टॉर्न है, टॉर्न का मतलब होता है फटा हुआ. जैसे हम अगर बोलेंगे कि इस बुक के पन्ने फटे हुए हैं तो पन्ने फटे हुए मीन्स पेजेस फटे हुए हैं, तो फटा हुआ है यहाँ पर इसका जो मतलब ही होगा वही होगा. टॉर्न का मतलब फटा हुआ, बेंट मतलब झुका हुआ या मुड़ा हुआ, सोल्ड मतलब बिका हुआ, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, गिवन मतलब दिया हुआ या दिया गया या दिया हुआ, कट मतलब कटा हुआ, स्टॉलन मतलब चोरी हुआ यानी चुराया हुआ, फाउंड मतलब मिला हुआ, हिडन मतलब छुपा हुआ, केप्ट मतलब रखा हुआ. इस तरीके से हम हुआ लगाएंगे मीन्स स्केयर्ड मतलब डरा हुआ, हर्ड मतलब सुना हुआ, रिटर्न मतलब लिखा हुआ, स्टॉपर मतलब रुका हुआ, रेड मतलब पढ़ा हुआ, टायर्ड मतलब थका हुआ, आजार मतलब आधा खुला हुआ, सेड मतलब कहा हुआ, डन मतलब किया हुआ, टोल्ड मतलब कहा हुआ, कलर्ड मतलब रंगा हुआ, ओपन मतलब खुला हुआ, सिटिंग मतलब बैठा हुआ, स्टैंडिंग मतलब खड़ा हुआ और आस्लीप मतलब सोया हुआ. ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम इसका सेंटेंसेस के द्वारा इस्तेमाल करना सीखें कि इनका इस्तेमाल जब हम सिंपल सेंटेंसेज में या बेसिक सेंटेंसेज में जब हेल्पिंग वर्ब के बात करते हैं तो उस सेंटेंस का क्या अर्थ होता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने अभी हिंदी में इनका अर्थ बताया उससे आपको साफ पता चल गया होगा, जाहिर हो गया होगा कि हिंदी सेंटेंसेस में इसका अर्थ क्या होगा. जैसे मैंने बोला कि इस किताब की पन्ने फटे हुए हैं, द पेजेस ऑफ दिस बुक आर टॉर्न. ओके फ्रेंड्स, इस बुक की पन्ने, इस बुक के पन्ने फटे हुए हैं. ओके फ्रेंड्स, अगर हम कुछ भी मतलब फटा हुआ बोलते हैं, यह पेज फटी हुई है, दिस पेज इज टॉर्न, यह किताब फटी हुई है, दिस बुक इज टॉर्न, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. अगर हम इसी को हम पास्ट में अगर करेंगे इस्तेमाल कि इस बुक के पन्ने फटे हुए थे, तो कुछ नहीं करना है, इज आर एम की जगह पर वाज ओवर लगा देना है, द पेजेज ऑफ दिस बुक आर टॉर्न. ओके फ्रेंड्स, अभी दूसरा है बेंट. बेंट मतलब झुका हुआ, झुका हुआ मतलब या मुड़ा हुआ या झुका हुआ. तो दिस, यह रॉड यानी कि बार जो होती है लोहे की सलिया, ये मुड़ी हुई है, तो दिस बार इज बेंट यानी झुका हुआ है या मुड़ा हुआ है. ओके फ्रेंड्स, अगर हम इसको हम पास्ट में बोलेंगे तो वॉज लग जाएगा कि दिस बार वॉज बेंट, यह बार यानी कि लोहे की जो सलिया होती है, छड़ होती है, वो मुड़ी हुई है या झुकी हुई है. अभी सोल्ड मतलब बिका हुआ, दैट हाउस इज सोल्ड, वह घर बिका हुआ है या बिक गया है. ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इसका इस्तेमाल हम पैसिव वॉइस में जब करेंगे तो इसका अर्थ कुछ और हो जाएगा. अगर आप पैसिव वॉइस के बारे में जानते होंगे तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि द पेजेस ऑफ दिस बुक आर टॉर्न, इस किताब के पन्ने फाड़े जाते हैं, दिस बार इज बेंट, यह बार
टेढ़ा किया जाता है, दैट हाउस इज सोल्ड, वह घर बेचा जाता है। बट ये एडवांस इंग्लिश की बात है, मैं अभी बेसिक इंग्लिश की बात कर रहा हूँ कि बेसिक इंग्लिश में जब इसका थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ब्रोकन है, ब्रोकन मतलब टूटी हुई, तो योर पेन इज ब्रोकन, तुम्हारी पेन टूटी हुई है। ओके फ्रेंड्स, गिवन मतलब दिया हुआ, दिस सम इज गिवन इन माई बुक, यह सवाल मेरे किताब में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, कट मतलब कटा हुआ, कट का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म एक जैसा होता है, तो कटा हुआ मतलब दैट ट्री इज कट, वह पेड़ कटा हुआ है। स्टॉलन मतलब चोरी हुआ, तो दिस बाइक इज स्टॉलन, इज स्टॉलन, यह बाइक चोरी हुई है। फाउंड मतलब पाया हुआ, मिला हुआ, मतलब जैसे हम बोलते हैं कोई चीज़ मुझे मिली, रास्ते में मिली हुई है, तो हम कोई पूछता कि कहाँ से लाया, तो मैं बोलूँगा उसको कि ये मिला हुआ है मुझे, मतलब कहीं से लाया नहीं, बस मिला हुआ है मुझे, कहीं से ख़रीदा नहीं इसको। तो जैसे हम बोलेंगे दिस टॉय, दिस टॉय इज फाउंड इन द वे, यह रास्ते में मिला हुआ है, यह खिलौना रास्ते में मिला हुआ है। हिडन मतलब छुपा हुआ है, तो समवन इज हिडन बिहाइंड द ट्री। ओके फ्रेंड्स, समवन इज हिडन बिहाइंड द ट्री, कोई पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। इसी तरह से केप्ट, तो द बुक, हम किसी खास बुक की बात कर रहे हैं इसलिए द लगा रहे हैं, कि द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, किताब टेबल पर रखी हुई है। स्केयर्ड, स्केयर्ड मतलब डरा हुआ होता है, ही इज स्केयर्ड, वह डरा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, हार्ड, हार्ड मतलब सुना गया, दिस स्टोरी इज हार्ड समवेयर, यह कहानी कहीं सुनी गई है या सुना हुआ है। रिटर्न मतलब लिखा हुआ है, लिखा हुआ मतलब आंसर इज रिटर्न बेलो, जवाब नीचे लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, ये सारे इस तरह से मतलब लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, कटा हुआ, खुला हुआ, अभी खुला हुआ बोलेंगे जिस तरह से हम यहाँ पर है, रीड, रीड मतलब पढ़ा हुआ, तो दिस स्टोरी इज रेड, यह कहानी पढ़ी हुई है। अभी टायर्ड है, टायर्ड मतलब थका हुआ, तो आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, यू आर टायर्ड, तुम थके हुए हो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये सारे, इतने सारे मैंने इस्तेमाल करके बता दिए हैं, तो ये जितने भी हैं इनका इस्तेमाल आप खुद समझ जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है, बस मेरा मतलब ये है आपको बताना, समझाना कि किस तरीके से हम बेसिक सेंटेंसेस के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और उसका हिंदी में उसका अर्थ क्या हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेन उद्देश्य जो था मेरा, बताना था आपको कि इसका इस्तेमाल हम बेसिक सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद कैसे करते हैं और किन स्थितियों में करते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है कि यहाँ पर सिटिंग, स्टैंडिंग एंड असलिप, सिटिंग, स्टैंडिंग एंड असलिप, जैसे हम अगर बोलेंगे कि वह सोया हुआ है तो ही इज स्लेप्ट, ऐसा नहीं बोलेंगे, ही हैज स्लेप्ट ऐसा भी नहीं बोलेंगे, बल्कि ये बोलेंगे कि ही इज असलिप। ये एक्सेप्शनल केस है, मीन्स ये अपवाद में आता है फ्रेंड्स, इसके लिए ये बताना ज़रूरी था। वह बैठा हुआ है तो ही हैज सिट, सेट, सिट होता है, ही हैज सिट नहीं बोलेंगे बल्कि ही इज सिटिंग बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, वह खड़ा हुआ है मतलब खड़ा है या खड़ा हुआ है, तो ही इज स्टैंडिंग।
अब इसका अर्थ तो ये हो जाएगा कि वह खड़ा हो रहा है, लेकिन वह खड़ा है उसके लिए हम ही इज स्टैंडिंग बोलेंगे, ही इज स्टूड नहीं बोलेंगे, या ही हैज स्टूड नहीं बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक्सेप्शनल केस था, इसके लिए बताना ज़रूरी था। ओके फ्रेंड्स, तो अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये बात समझ में आ चुकी होगी कि हम बेसिक सेंटेंसेज में यानी सिंपल सेंटेंसेज में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल क्यों करते हैं, और जब करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।